नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज का ये ब्लॉग जैसलमेर के प्रसिद्ध देग राय मंदिर और जूनी जाल मंदिर से संबंधित है। इस मंदिर का इतिहास क्या है, क्यों यह मंदिर प्रसिद्ध है और क्या इसको लेकर कहानियां प्रचलित हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो ब्लॉग में मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये देगराय मंदिर का प्रवेश द्वार है। हालांकि देगराय मंदिर के पास ही एक देगराय नामक तालाब यानी जलाशय बना हुआ है और उस जलाशय के नाम पर ही इस मंदिर का नाम देगराय मंदिर पड़ा है। देगराय माता का मंदिर कहा गया है इसे, क्योंकि इस मंदिर के अंदर सात रूपों में तनोट माता की अन्य छह बहनों को मिलाकर कुल सात बहनें माना गया और उन सातों बहनों की मूर्तियां इस देगराय मंदिर में स्थापित की गई है। हालांकि ये जो लाल आपको दिख रहा है ये एक ओढ़नी स्वरूप माता के यहाँ पे चढ़ाई गई है और ये जो पेड़ है ये जाल का पेड़ है। लेकिन मुख्य रूप से प्रसिद्ध जो जूनी जाल है यहाँ पर, वो मंदिर अलग है। इस मंदिर के जस्ट सामने बाहर रोड के दूसरी तरफ बना हुआ है, उधर हम बाद में चलेंगे। लेकिन पहले इस मंदिर के प्रवेश द्वार का इस तरीके से आपको ये दिखाया गया है। इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आसपास के श्रद्धालु भक्तगण आते जाते रहते हैं, यहाँ तक कि नए विवाहित जोड़े गठजोड़े की जात देने धोक लगाने यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पारिवारिक रिश्ते नाते से संबंधित घरेलू समस्या या फिर कोई भी, वो सारी समस्याओं का निवारण यहाँ पर हो जाता है, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। इसी मान्यता की वजह से लोग मंदिर में दर्शन के लिए हमेशा आते जाते रहते हैं। यह मंदिर सप्ताह में सात दिन यानी कि हमेशा खुला रहता है। मंदिर के अंदर मुख्य रूप से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मंदिर के अंदर नारियल और मिश्री का भोग यानी प्रसाद चढ़ाया जाता है। मंदिर में ये ब्लैक पत्थर की जो मूर्तियां दिख रही हैं, ये सात बहनों की मूर्तियां हैं, जिसमें तनोट माता से लेकर देगराय माता, घटियाली माता, अन्य इसी प्रकार से सात देवियां यहाँ पर स्थापित, इस मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। और ये देगराय मंदिर का गर्भगृह आप देख रहे हैं, यहाँ श्रद्धालु भक्त हमेशा आते जाते रहते हैं। बाहर के लोग भी अक्सर जैसलमेर का इतिहास पढ़ने के बाद यहाँ आसपास दर्शनीय स्थलों में अगर देखते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर देश विदेश से भी पहुँचते हैं। हालांकि ये देगराय मंदिर जो है ये जैसलमेर के पूर्व में 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यह देवीकोट गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर रासला गांव के समीप पड़ता है। मंदिर के अंदर इस तरीके से ये नगाड़े रखे गए हैं जो आरती के समय बजाए जाते हैं। अब हम मंदिर से बाहर चलेंगे और बाहर का दृश्य देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से यहाँ पर देख सकते हैं पूजन सामग्री और प्रसाद, ये मुख्य गर्भगृह। अब मंदिर के प्रवेश द्वार से जब बाहर आते हैं मुख्य गर्भ से, तो एक अग्नि वेदिका बनी हुई है जिसे हम हवन कुंड कह सकते हैं। अब यहाँ पर इसके चारों तरफ पत्थर के ये पिलर बनाए गए हैं और मुख्य जो मंदिर है देगराय का, उसका ऊपर का मंडप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी फिलहाल मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर का ये गर्भगृह का मंडप मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बाहर से इस तरीके से दिखाई देता है। अब मंडप देखने के बाद हम यहाँ के पुजारी के पास आते हैं जो
हमें मंदिर के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताते हैं कि इस मंदिर की नींव जैसलमेर के दुर्ग निर्माण के समय ही रख दी गई थी, ऐसा उनका कहना था। इसके अलावा उन्होंने बताया, ये देखिए बाहर से प्रवेश द्वार कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये देगराय का प्रवेश द्वार है जिसमें मंदिर से बाहर हम आ चुके हैं, लेकिन रोड के दूसरी तरफ ये जूनी जान मंदिर है, मतलब वहां पर बहुत ही प्राचीन 1300 से 1350 वर्ष पुराना एक जाल का पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे बड़वा सुथार नामक एक व्यक्ति ने जसोद भाटी की संतान प्राप्ति हेतु तपस्या की थी। आज भी वो उतना पुराना पेड़ मौजूद है और उस पेड़ की, उस जाल के पेड़ की यहाँ के स्थानीय लोग पूजा करते हैं, तो इस मंदिर को जूनी जाल मंदिर कहा गया है। तो मैं मंदिर के प्रवेश द्वार के पास आ चुका हूँ। हाथ धोने के बाद मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं और 1300 से 1400 साल पुराने जाल के पेड़ की आज क्या स्थिति है देखते हैं। लोगों को तो ये आस्था का केंद्र है ही, क्योंकि उनकी मान्यता है कि यहाँ पर तनोट राय माता की बहनों ने मिलकर, सातु बहनों ने यहाँ पर एक तरीके से जो यहाँ पर राक्षस विचरण किया करते थे, उन राक्षसों का वध किया था और राक्षस के वध के रूप में यहाँ पर भैंसे की बलि दी गई थी और उस भैंसे के जो सर था उसकी देग बनाई गई थी। इस प्रकार इसे देगराय मंदिर कहा गया और इस मंदिर को जूनी जाल मंदिर कहा गया। ये जाल है, जाल का पेड़ है जिसके नीचे इस तरीके से ये रेड कलर के कुछ जो है माता की ओढ़नी, यहाँ के जो श्रद्धालु आते हैं वो माता को समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं यहाँ पर, और इसके नीचे भी इन्हीं का जो है सातु बहनों का ये मंदिर, छोटा मंदिर है जिसमें भी लोग आते हैं, धोख लगाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, माथा टेकते हैं। अब ये मंदिर कुछ इस तरीके से अंदर से आपको दिखता है। विशेष रूप से दोस्तों यहाँ पर नारियल यानी खोपरे का भोग इस मंदिर में लगाया जाता है और इसकी तरफ एक छोटा ये मंदिर है जिसका द्वार बंद है फिलहाल। इस तरीके से ये जाल का पेड़ के बाहर हम देखें तो ये जूनी जाल जो मंदिर है इसका परिसर जो है बहुत बड़ा है। ये मंदिर के चारों तरफ हम घूमकर देखते हैं तो मंदिर के अंदर बहुत लंबा चौड़ा विशाल परिसर है जिसमें अभी कुछ काम चल रहा है, नीचे भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। ये जो मंदिर है इसकी ओरण की यहाँ पर 52,000 बीघा जमीन रखी गई थी जो आज भी इस मंदिर के आसपास बंजर पड़ी हुई है और इस मंदिर के अधीन ओरण क्षेत्र में वो 52,000 बीघा जमीन आज भी यहाँ पर मंदिर के अधीन ही है जिसमें कोई कृषि कार्य नहीं किया जाता। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, तो एक तरफ ये इस तरफ पानी है जो प्रसाद का पानी यहाँ भर जाता है। हालांकि जैसलमेर में रेतीली जमीन है और पानी रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, फिर भी यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो तालाब है इसका पानी कभी सूखता नहीं है, हमेशा 12 महीने ये पानी भरा रहता है। तो ये देगराय मंदिर और जूनी जाल मंदिर का वीडियो आपको कैसा लगा,